एज स्टूडेंट्स वी आर रीडिंग BSc पार्ट टू पेपर थर्ड इकोलॉजी एंड बायो स्टैटिक्स के अंतर्गत हम यूनिट थर्ड में थर्ड डे का अध्ययन करेंगे। आप सब इसके लिए तैयार होंगे और बराबर PDF को भी देखें और वीडियो को भी सुनें। नोट्स PDF से तैयार होते जाएंगे। हम पढ़ रहे थे बायोटा ऑफ पॉन्ड्स, तालाब के जीव। तालाब के जीव मैंने तुम्हें चार प्रकार के बताए थे, अब इनका विस्तृत वर्णन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्ट था उत्पादक, प्रोड्यूसर। तालाब में पाए जाने वाले प्रोड्यूसर उत्पादक चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फाइटोप्लैंक्टन्स, फ्लोटिंग प्लांट्स, सबमर्ज्ड प्लांट, रूटेड प्लांट। पहले थे फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स में एग्जांपल है नेविक्यूला, रिच टेरिला, एनाबीना, एस्टेरिनेला, नेडसिया, क्लोस्टेरियम, स्केंड्रम, फ्रेजिलेरिस, माइक्रोसिस्टिस, यूडोरिना, ऑलवॉक्स, युगलिना, सीरेटियम, क्लेमाइडोमोनास। फ्लोटिंग प्लांट से आइकोर्निया, उल्फिया, पिस्टिया, लेमना। सब मर्ज्ड प्लांट हाइड्रिला, कारा, वेलिस्नेरिया, यूट्रिकुलेरिया, सीरेटोफिलम। और लास्ट है रूटेड प्लांट। रूटेड प्लांट में है अपना निलंबो, सेजिटेरिया, निम्फिया, टाइफा, मार्सिलिया। इस प्रकार ही अपने बायोटा ऑफ पॉन्ड्स में प्रोड्यूसर थे। इसके बाद आता है कंज्यूमर, तालाब में पाए जाने वाले उपभोक्ता निम्न पांच प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? पांच प्रकार के। फर्स्ट है जू प्लैंक्टन्स। व्हाट इज जू प्लैंक्टन्स? जू प्लैंक्टन्स किसे कहते हैं? तो ऐसे प्लांट या एनिमल्स जिनमें स्वयं की गमन या गति करने की क्षमता इतनी नहीं होती कि वे जलधाराओं की उपस्थिति में स्वयं की इच्छा से स्थान परिवर्तन कर सके। परिभाषा एक बार और सुन लिएगा और समझिएगा। प्लैंक्टन्स, प्लैंक्टन शब्द आ जाए तो तुम्हें समझना होगा ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स जिनमें स्वयं की गमन या गति करने की क्षमता इतनी नहीं होती कि वे जल की धाराओं की उपस्थिति में स्वयं की इच्छा से स्थान परिवर्तन कर सके। मतलब मैं आपको बताऊंगा कि इनके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि जल की धाराओं की तुलना में ये विरोध उत्पन्न कर सके या अपने इच्छा से स्थान परिवर्तन कर सके। आ गया ना भाई? एक बार फिर बता दूँ, प्लैंक्टन पलवक, हिंदी में पलवक कहते हैं, इम्पोर्टेंट शब्द है। मतलब ये इतने, इनकी गति या गमन करने की क्षमता इतनी नहीं होती कि जल में धारा के विपरीत ये कहीं अपनी इच्छा से स्थान चेंज कर सके। मतलब जिधर धारा जाएगी उसी के साथ ये रहेंगे, ठीक है ना? तो इसको कहते हैं प्लैंक्टन्स। जू प्लैंक्टन्स में डेफनिया, साइक्लोप्स, ऑस्ट्रेकोड्स, रोटिफर्स आदि, ये क्या है? जू प्लैंक्टन्स के एग्जांपल डेफनिया, साइक्लोप्स, ऑस्ट्रेकोड, रोटिफर्स
आदि। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन, सेकंड है नेक्टोन्स। नेक्टोन्स, नेक्टोन्स किसे कहेंगे? छोटे छोटे व बड़े तैरने की क्षमता रखने वाले एनिमल्स। छोटे या बड़े तैरने की क्षमता रखने वाले एनिमल्स क्या कहलाते हैं? नेक्टोन्स। ठीक है ना, ये निम्न है, फाइलम प्रोटोजोआ में कौन कौन है? आमीबा, पैरामीशियम। फाइलम सिलेंट्रेटा में कौन है? हाइड्रा। फाइलम प्लेटीहेलमिंथीज में प्लेनेरिया, मिरासिडियम। फाइलम रोटिफेरा में ब्रेकियोनस। फाइलम एनिलिडा में है लिमिकोला, हीरुडिनेरिया। फाइलम आर्थ्रोपोडा में डेफनिया, साइक्लोप्स, निम्फोफ्लाई या केडिसफ्लाई, नोपा, बेलेस्टोमा, साइबिस्टर। फाइलम मोलस्क में लेमिलिंडेंस, लिमनिया, प्लेनेरियन, पाइला। इधर कोर डेटा के अंतर्गत क्लास फिशीज में है कटला, टिलापिया, सेकोब्रेंकस, ओपियोसिपेलस, क्लेरियस। क्लास एम्फीबिया में है फ्रॉग, टेडपोल्स। क्लास रेप्टिलिया में है नेट्रिक्स, टर्टल्स। और क्लास एवीज में पॉन्ड हेरॉन्स, कैटल हेरॉन्स, वाटर डक्स, कॉर्मेंट। इस प्रकार ये अपने नेक्टोन्स हैं। कोरोना के समय में गर्ल्स थोड़ा सावधानी पूर्वक रहे और भीड़ भाड़ वाली जगह पे मास्क का उपयोग करें। हाँ, क्योंकि कोरोना की देन है कि आज हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से आज हम ये क्लास ले रहे हैं उससे सावधानी से रहना ज़रूरी है। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन किसे कहेंगे? पॉन्ड सरफेस पर, मतलब तालाब की सतह, ऊपर की सतह पर वायु व जल के मिश्रित वातावरण में रहने वाले एनिमल्स इस वर्ग में आते हैं। मतलब जो जल में तो है ही से, लेकिन ऊपर की सतह पर आधे ऊपर रहते हैं, तो वो वायु के कांटेक्ट में भी है और वह जल के कांटेक्ट में भी है। तो वायु व जल के मिश्रित एनवायरमेंटल में रहने वाले एनिमल्स इस वर्ग में आते हैं। किसमें? न्यूट्रॉन्स। प्लावित होने के कारण ये सतह पर दृष्टिगोचर होते रहते हैं। इसके एग्जाम्पल है जलीय मकड़ी, जलीय गुब्रीले या भौंरे, अनेक प्रकार की मछलियाँ, मेंढक, सेलामेंडर, कछुए, जलीय सर्प आदि। न्यूट्रॉन्स भी दो प्रकार के हैं, एपी न्यूट्रॉन, हाइपो न्यूट्रॉन्स। पहले एपी न्यूट्रॉन्स, जो एनिमल सतही जल में निवास कर वहीं अधिकांश जीवन व्यतीत करते हैं। मतलब सतह के जल पर रहते हैं और अधिकांश जीवन वहीं व्यतीत करते हैं, वह कहलाते हैं एपी न्यूट्रॉन्स। और नेक्स्ट है हाइपो न्यूट्रॉन्स, मतलब जो जंतु जल में पोषण प्राप्त कर सतह पर बारंबार आते रहते हैं वह एनिमल्स हाइपो न्यूट्रॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम पेरीफाइटोन्स। पेरीफाइटोन्स नाम से ही लग रहा है, फाइटोन यानी पौधों से कोई ना कोई संबंध है इनका, है ना। तो ऐसे एनिमल्स जो जलीय पादपों पर चिपके पाए जाते हैं या रहते हैं, मतलब जो जल में पौधे पाए जाते हैं उन जल में पाए जाने वाले पौधों पर ये चिपके रहते हैं
या मतलब उन पौधों पर ये निवास करते हैं। इनके एग्जाम्पल है पॉन्ड स्नेल, डैमजल फ्लाई, ऑर्टिसेला, स्टेंटर, हाइड्रा, ब्रायोजोआ, क्लाइंबिंग ड्रैगन, क्रायनिम्फ, रोटिफर्स, कायरोनोमिड लार्वा, क्लैम्स एंड डिप्टेरा लार्वा। ये सब क्या है? पेरिफाइटोन्स, अर्थात ये सभी एनिमल जलीय पादपों पर चिपके रहते हैं, अर्थात अपना निवास स्थान जलीय पादप होते हैं। कंज्यूमर श्रेणी में लास्ट टाइप है बेंथोस। बेंथोस किससे संबंधित शब्द है? पेंदे से, ठीक है। तो परिभाषा बन जाएगी ऐसे एनिमल जो तालाब के पेंदे में रहते हैं, बॉटम ऑफ पॉन्ड्स। ऐसे एनिमल जो तालाब के पेंदे में रहते हैं बेंथोस कहलाते हैं, ठीक है। इस प्रकार के एनिमल्स का एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? लेमेलिंडेंस, पाइला, प्लेनोरबिस, टर्टल, सेकोब्रेंकस, अर्थवर्म, ठीक है ना। ये सभी जीव जंतु कहाँ रहते हैं? ये सभी जंतु बॉटम ऑफ पॉन्ड पर रहते हैं, इसलिए ये बेंथोस कहलाते हैं। इस प्रकार कंज्यूमर श्रेणी के एनिमल्स जो कि तालाब में रहते हैं ये पांच प्रकार के पाए जाते हैं। एक बार और बता दूं मैं, आज अपन ने क्या पढ़ा? तालाब में पाए जाने वाले जंतुओं में, जीवों में दो कैटेगरी के जीव पढ़े, प्रोड्यूसर कैटेगरी के, कंज्यूमर कैटेगरी के। प्रोड्यूसर कैटेगरी में चार प्रकार के थे, फाइटोप्लैंक्टन्स, फ्लोटिंग प्लांट्स, सबमर्ज्ड प्लांट, रोटेट प्लांट, ठीक है। इसी प्रकार कंज्यूमर कैटेगरी में कौन कौन थे? जू प्लैंक्टन्स, नेक्टन्स, न्यूस्ट्रॉन्स, पेरिफाइटोन्स और बेंथोस। ये कंज्यूमर कैटेगरी के एनिमल्स हैं, ये इम्पोर्टेंट है। प्लैंक्टन्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, नेक्टन्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, न्यूस्ट्रॉन्स के बारे में भी पूछा जा सकता है और बेंथोस के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा, ठीक है। और एक बार और बता दूं, लगातार दिशा निर्देश कोरोना से संबंधित आते जाते हैं, अतः कोरोना से बचाव के लिए सावधानी बरतना अति आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम आने वाले टाइम पे पढ़ेंगे। धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ मैं, इन सब की पीडीएफ भी मैं ग्रुप में डालता हूँ, पीडीएफ से तुम लोग नोट्स बना सकते हो, अपनी राइटिंग में बनाओगे। तो और बढ़िया रहेगा, अपनी राइटिंग में समझ में आएगा तुम्हारे पूरा पूरा, और पढ़ने में भी अच्छा रहेगा। कंप्लीट नोट्स से और इन्हीं में से
100% पेपर बनता है बनेगा। धन्यवाद।